अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं हूं सैफ असलम। तो आप लोगों का स्वागत है हमारा रेजा किचन में। तो आज हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को कैरेमल सॉस, कि कैरेमल सॉस को कैसे बनाया जाता है। और ये कैरेमल सॉस बहुत चीज़ों में जो है स्वीट चीज़ों में बहुत काम आता है, यानी कि खाने के लिए, डिज़ाइनर के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन भी होता है। जैसे कुछ चीज़ों में अगर हम डिज़ाइन डालना चाहें तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे कैरेमल सॉस बनाने के लिए तीन आइटम लिया है मैंने। तीन चीज़ों से हमारा कैरेमल सॉस जो है बन के रेडी हो जाता है। जैसे 150 ग्राम शुगर लिया, 50 ग्राम मैंने बटर लिया और 75 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम लिया। इस तीनों चीज़ों से आज आप लोगों को जो है हम कैरेमल सॉस बना के दिखाएंगे। तो आप लोगों को देखिए, हम प्रॉपर जो है कैरेमल सॉस बना के दिखाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बर्तन, उसमें मैं डालूंगा। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने पहले गरम करूंगा। गरम करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है शुगर डालूंगा। जो हमारा शुगर है उसको डाल लेना है। जैसे हमने पहले शुगर का हमको सीरा, जैसे यानी कि कैरमल बनाता है पहले, उसी टाइप हमें बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है इसमें शुगर डाल दिया मैंने, जो मेरा 150 ग्राम शुगर है यहाँ पे। और उसमें मैंने थोड़ा सा या 3 स्पून के लगभग मैंने पानी डाला है, और क्योंकि ज़्यादा यानी कि घना ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हमें इसको जो है अच्छी तरह से इसको गर्म करना है और उबालना है। जब तक इसका प्रॉपर कलर ना आ जाते हैं तब तक हमको इसको पकाना है। तो देखिए, साइड में से जो है हल्का हल्का सा कलर आ चुका है। तो ये कलर में आने स्टार्ट हो चुका है। तो ये प्रॉपर जो है तो जैसे ही इसको हम घुमाते घुमाते जैसे अच्छा कलर आ जाएगा तो इसको हमें जो है डालना है। सबसे पहले बटर डालेंगे। तो देखिए, ये प्रॉपर में थोड़ा थोड़ा आ गया है। देखिए, ऐसे ही जो है हमारा कैरेमल सिरप होने वाला है। अगर आप लोग ज़्यादा घना नहीं चाहते हो तो इसको पतला भी कर सकते हो थोड़ा पानी डाल के। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बटर डालूंगा। यहाँ पे जो हमारा 50 ग्राम लगभग बटर है उसको मैंने डाल दिया है, तो उसको मैं अच्छे से घोल लूँगा। तो देखिए, अभी से ये दिख रहा है कैरेमल सिरप के डिज़ाइन में ये आ चुका है। तो इसमें हम फ्रेश क्रीम भी डालेंगे। तो इसको जो है अभी गैस को हमको स्लो मोशन में रखना है, ज़्यादा इसको तेज नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा शुगर का कैरेमल बन रहा है तो इसीलिए हमारा जो है उसमें ज़्यादा कलर आ जाएगा, तो ब्लैक कलर भी आ सकता है ज़्यादा गर्म होगा। तो इसलिए जो है हमको उसका गैस का जो है स्लो करके रखना है। तो यहाँ पे मुझे स्लो करके पका लेना है। देखिए, चारों चीज़ों को मैं ऐसे ही पका लूँगा। तो थोड़ी देर हमको पकाने से क्या होगा, इसका जो है बटर और क्रीम जो भी है अच्छे से घुल जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका टेक्सचर भी बदल गया है और प्रॉपर ये जो है कैरेमल सिरप की तरह लग रहा है अभी, और देखने में और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो ये कैरेमल सिरप हो गया था, हमने यहाँ पे निकाल लेंगे इसको। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत आप लोगों को हम हाथ में भी लेके बताएंगे, ये तार जैसा होता है कि नहीं। थोड़ा सा तार होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, नहीं तो सिरप आपका जो है बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसको और भी अगर आप लोग पतला करने चाहो तो फिर इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको पकाना नहीं है और ये पतला टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है देखिए तार जैसा आ गया है। तो ये हमारा प्रॉपर जो है कैरेमल सिरप रेडी हो चुका है। तो ऐसा ही होना है, ज़्यादा तार में भी नहीं होना है, क्योंकि फिर ज़्यादा तार हो जाएगा तो आपका जो है कैरेमल सिरप जो है वो फिर बहुत टाइट हो जाएगा। तो हमको जो है प्रॉपर कैरेमल सिरप के लिए हमको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डालना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे स्पून से उठा के दिखा रहे, तो ऐसा ही जो है स्पून से बहना चाहिए, ताकि अगर फिर स्पून पे लगे रहे तो अच्छा नहीं होगा। तो जो हमारा जैसे ठंडा होके यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है हमारा जो है कैरेमल सिरप, बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। हमने तीन सामानों से आप लोगों को जो है कैरेमल सिरप बना के दिखाया है। तो यहाँ ये कैरेमल सिरप हम केक भी रेडी कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ अगर रेडी करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे ब्रेड में भी खा सकते हैं हम लोग। आपको ब्रेड में भी यहाँ पे जो है खा के बताएंगे कि ब्रेड में भी कैसे खा सकते हैं। तो देखिए, ब्रेड में भी लगाने से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, चमक रहा है। तो कैरेमल सिरप बहुत मस्त बना है हमारा। तो आप लोगों को जो है हम यहाँ पे ब्रेड भी खा के बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब।